वो सब किस चीज़ का होता है, वो सब इतने सारे बच्चे आते हैं कि बहुत जगह मुझे फेलियर मिला हुआ है, ठीक है। तो आप अगर फेलियर को फेस नहीं करोगे तो आप... हेलो जी, तो आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आया हूँ और मैं इसमें आज आपको बताने वाला हूँ अपना एक ट्रायल एक्सपीरियंस जो मैंने अभी वॉलीबॉल ट्रायल दिया है यूनिवर्सिटी गेम का, ठीक है। तो उसका क्या एक्सपीरियंस है और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दो, साथ हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी फॉलो करो क्योंकि वहाँ पे मैं लगभग अपडेट रहता हूँ और आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि यार ट्रायल होता कैसे है, ठीक है। तो देखो मैं आपको सीधे सीधे बता दूँ कि ट्रायल के लिए सबसे पहले जो भी आप की लोकेशन होती है वहाँ पर आपको बुलाया जाता है विद आपके डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं आधार कार्ड, आधार कार्ड और 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट और आपके जो लास्ट ईयर के जो उससे पहले आप खेले हुए, ठीक है, वो सारे सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें मंगाई जाती हैं। उसके बाद आपको जिस भी लोकेशन, वो यूनिवर्सिटी हो, आपका कॉलेज हो, जो भी लोकेशन उन्होंने दी हुई है वहाँ पर आपको बुलाया जाता है। उसके बाद जो आपकी पोजीशन होती है, आपको पोजीशन अगर आप सेटर हो तो सेटर, लिबर हो, तो उन सब को अलग अलग कर लिया जाता है, ठीक है। फिर एक टीम बनाई जाती है, उसके अंदर एक एक करके हर प्लेयर को नंबर दिया जाता है, उस हिसाब से प्लेयर को अंदर डाला जाता है पोजीशन के हिसाब से, ठीक है। फिर आपस में मैचेस होते हैं, जैसे फर्स्ट ऐसे करके जैसे 50 बच्चे तो पहले राउंड में 30 बच्चे निकाल लिए, ठीक है, अगले राउंड में 20 बच्चे, फिर वो जो 20 बच्चे हैं थर्ड राउंड में वो जो टॉप 12 बच्चे हैं उनको निकाला जाता है, ठीक है। अब टॉप 12 के साथ साथ हर प्लेयर का एक एक प्लेयर होता है, जैसे कि अगर लिब्रो दो लेंगे, ऐसे तो एक ही होता है टीम में, बट दो इसलिए लेंगे क्योंकि बाय द वे एक लिब्रो को चोट लग गई तो वो दूसरा वाला खेल सकता है। बट अगर खेलने की बात करूँ जो आगे जाते हैं वो सिर्फ 12 ही प्लेयर आगे जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वो 12 प्लेयर कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। 4 अटैकर लेते हैं, 2 यूनिवर्सल, 2 सेटर और 3 ब्लॉकर और 1 लिब्रो। तो इस तरीके से वो 12 टीम हम बनाते हैं, ठीक है। तो ट्रायल जब भी हम देते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ता है, ठीक है। अब ये तो एक नॉर्मल हो गया, ठीक है। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हम फेस करते हैं एक ट्रायल के अंदर, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना, वो मैं आ गया। आपको किन किन चीज़ों का जब भी हम ट्रायल देते हैं ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, और इन चीज़ों पर आपको गौर भी करना चाहिए। जैसे कि तो जब ट्रायल हम देने जाते हैं तो अपने अंदर क्या होता है कि बहुत सारा फियर भरा होता है, बहुत सारा प्रेशर होता है, तो हमको उसको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कि हम जब ट्रायल देने जाते हैं तो वहाँ जो इन्वायरमेंट बना हुआ होता है वो सब किस चीज़ का होता है, वो सब इतने सारे बच्चे आते हैं, सब नए नए, देखो आप किसी को नहीं जानते सामने से, बट आपको जब भी यार ये ऐसा हो सकता है, हम मतलब ऐसा इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, बट ऐसा होता कुछ भी नहीं है, ठीक है। बट हम इमेजिन इतना कर लेते हैं कि जो हम अपना टॉप परफॉर्मेंस है उसको भी नहीं दे पाते, हम अपने लो परफॉर्मेंस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो हमको करना क्या चाहिए, हमको हमेशा कूल रहना चाहिए, ईजी कूल एंड काम, मतलब ज़्यादा हरकत भी नहीं, अपना नॉर्मली, ठीक है। और कोशिश ये करना चाहिए अपने साथ साथ एक वो जो होता है हेडफोन वो रखने चाहिए, अगर आप एक नए बिगनर हो, आप फर्स्ट टाइम ट्रायल देने जा रहे हो तब, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप इधर उधर जाते हो, क्या होता है जब भी हम ग्रुप्स में होते हैं तो नई नई बातें होती हैं, नई नई चीज़ें होती हैं, तो सब डिस्कस करते हैं, तो उससे क्या होता है उससे भी फियर आता है। अब मैंने कह दिया ये अच्छा प्लेयर, आपको पता नहीं होगा अच्छा है कि बेकार है, बट मैंने कह दिया तो हो सकता है कि उसको ऐसा लगे, तो वो और भी डीप जा सकता है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको गौर करना चाहिए। दूसरा, जब भी आप ट्रायल देते हो तो ट्रायल देते समय आपका जो बिहेवियर होना चाहिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। देखो अब होगा क्या कि ऐसा नहीं कि आपको ही डर लग रहा है, ऐसा जैसे अब 40 बच्चे या 50 बच्चे ट्रायल दे, सबके अंदर डर है, जो जो 2 या 4 बार दे चुका उसके अंदर डर नहीं होगा, बट जो नए नए होंगे 1-2 साल उनके अंदर डर होता है। तो वो जो डर के लिए उनको क्या हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। क्या हुआ, वो आपके पास अगर सर्विस आई, आपने 1 सर्विस 2 सर्विस बिगाड़ दी, कोई उससे कोई इशू नहीं है, बट जो नेक्स्ट वन है जिसको आप अच्छा कर सकते हो उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, अपने जो माइंड है उसका ज़्यादा यूज़ मत करो। जैसे आप डेली ही खेलते हो ऑन ग्राउंड वैसा ही खेलना होता है। एक मैं छोटा सा एक्सपीरियंस बता दूँ, अभी मैं ट्रायल देखा है ना, स्टार्टिंग की 4 से 5 सर्विस मुझसे खुद बिगड़ गई, तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैं आगे नहीं खेल पाऊँगा ऐसा, बट हमें क्या है, हमें अपने माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए। आपसे अगर मिस्टेक हो रही है तो कोई प्रॉब्लम, मिस्टेक एक कॉमन चीज़ है, बट आप उसको सुधार कैसे लेते हो, मतलब आप उसको सुधारोगे कैसे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। तो उसको सुधारना चाहिए और नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना, पॉजिटिव ही रहना और अपने माइंड को कंट्रोल रखना, बस इतना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी जब भी आप ट्रायल दें। अब आते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है जो हमारा ये है कि
देखो आज हम ट्रायल लेते हैं, होता क्या है कि बहुत सारे बच्चों का ट्रायल हो भी जाता है और बहुत सालों का नहीं होता है। तो उनके लिए मैं अभी ये जो पॉइंट है उनके लिए कि उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप अपना बेस्ट दो जब भी आप ग्राउंड पे हो, ठीक है कि अपना बेस्ट दो। ये भी ना कि आप अपना बेस्ट भी नहीं दे पाए फिर आपको ऐसे रिग्रेट फील होता कि यार मैं ऐसा कर सकता था, मैं ऐसा, तो ये सब चीज़ आपको नहीं, ये सब चीज़ें पहले आपको ग्राउंड पे ही रह के करनी पड़ेंगी कि आप अपना बेस्ट दो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जिनका हो जाता है यार वो तो इन्जॉय करते हैं, ठीक है कि यार मेरा हो गया बहुत बढ़िया, ऐसा वैसा मैंने ये किया था वो किया था, अब मेहनत सब करते हैं, ठीक है। बट जिनका नहीं हुआ उनके लिए, देखो उनका नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अब गेम के लिए नहीं बने या ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई नहीं, आपको आपका इस साल नहीं हुआ, हो सकता है वो नेक्स्ट ईयर हो जाए, हो सके उसके बाद हो जाए, ठीक है। तो देखो जब तक आप फेलियर को फेस नहीं करोगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट, एक मतलब एक सक्सेस की सफलता की तरफ आगे नहीं जा सकती। कोई नहीं हुआ तो आप हो सकता है इस साल अपनी अच्छी मेहनत करो, अपने आप के अंदर वो अच्छी अच्छी स्किल्स डालो जिसकी वजह से आपका गेम और अच्छा इम्प्रूव हो और आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओ कि हाँ मैं बेहतर था बट मुझे नहीं लिया गया, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप को रिग्रेट फील करते हैं और उसकी वजह से वो जो अपनी प्रैक्टिस उसको छोड़ देते हैं। प्रैक्टिस मत छोड़ो, आपको सिर्फ अपना जो गेम है उसको इम्प्रूव करना है, डे बाई डे इम्प्रूव करो, ठीक है। इम्प्रूव करो आपको पक्का रिजल्ट मिलेगा, मेरी तरफ से बताता हूँ कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कई बार कि बहुत जगह मुझे फेलियर मिला हुआ है, ठीक है। तो आप अगर फेलियर को फेस नहीं करोगे तो आपको मतलब सफलता को फेस कर ही नहीं सकते, ठीक है। सबसे पहले फेलियर फेस करो, देन अपने आप को इम्प्रूव करो, देन आप एक स्टेज आएगा जिसके स्टेज पर आप टॉप हो जाओगे, ठीक है। मैं भी गया, फर्स्ट ईयर में था अपने कॉलेज के अंदर, मेरा भी सिलेक्शन नहीं आता, बट लास्ट टू ईयर से मेरा रेगुलर सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या वो एक मेहनत है, अपना डेडिकेशन है, जो चीज़ें हो रही हैं तो आप भी अपने आप को प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ जो भी बंदे हैं जिनका नहीं हुआ तो वो बंदे रिग्रेट फील ना करें, मेहनत करें, कंटिन्यू करें, ठीक है, आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना। तो गाइज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जो अपना एक्सपीरियंस था वो आपको बता दिया, ठीक है। ऐसा ऐसा करना, ये चीज़ों का ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखो आप मुझे कमेंट करो किस टाइप का वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी क्या होगा कि आज से आठ तारीख आ रही है, 8 से लेकर 18 तारीख तक मैं ऑलरेडी बिजी हूँ, मेरा मैच भी है, कैंप भी है, तो मैं वीडियोज़ को हो सकता है रिकॉर्ड करके अपने पास स्टोर रखूँ और डाल ना पाऊँ, ठीक है। अगर मैं डाल देता हूँ बहुत बढ़िया, थोड़ा सा वीडियो कम आने वाली है, ठीक है, तो आप इसको मैनेज कर लेना। तो इस वीडियो में बस नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आपकी कोई प्रॉब्लम आप कमेंट कर सकते हो और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हो।